आज हम जानते हैं कि हम जब भी अपने YouTube एप्लीकेशन को क्रोम ब्राउज़र के अंदर ओपन करते हैं तो हमें क्या होता था कि हम यहाँ पर तीन लाइन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर योर वीडियो पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर डायरेक्ट YT स्टूडियो एप्लीकेशन में लाकर छोड़ देता है। और यहाँ हमारी जो YT स्टूडियो वो यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र के अंदर डेस्कटॉप साइट के अंदर ओपन नहीं होती है। तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसके लिए यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको होम आ जाना है। होम आने के बाद यहाँ पर आपको अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको मोर सेटिंग नाम का एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऐप मैनेजर पर क्लिक करना है। ऐप मैनेजर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपने YT स्टूडियो जो एप्लीकेशन है आपकी, उस एप्लीकेशन को आपको सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर उस एप्लीकेशन को देख लेता हूँ और यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको ओपन बाय डिफ़ॉल्ट नाम का एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको ओपन द सपोर्टेड लिंक इन ए ऐप, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डिसअलो कर देना है। डिसअलो करने के बाद अब यहाँ पर मैं वापस अपने क्रोम ब्राउज़र में आ जाता हूँ। क्रोम ब्राउज़र में आने के बाद मैं यहाँ पर तीन लाइन पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं योर वीडियो पर क्लिक करता हूँ। योर वीडियो पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हो आपको यहाँ पर डेस्कटॉप साइड वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम कुछ सेकंड वेट कर लेते हैं जब तक हमारा पेज यहाँ पर लोड ना हो जाए। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो यहाँ पर YT स्टूडियो वो यहाँ पर क्रोम ब्राउजर के अंदर डेस्कटॉप साइड में ओपन हो चुका है। ये था पहला प्रोसेस, मैं आपको दूसरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो इसके लिए यहाँ पर आपको वापस न्यू टैब पर क्लिक करना है। न्यू टैब पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको लिखना है यूट्यूब। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यूट्यूब स्टूडियो, ठीक है, studio.com login, ये आपको यहाँ पर लिखना है। और लिखने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, अब यहाँ पर आपको देख सकते हो आपको यहाँ पर YouTube दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपको YouTube पर क्लिक करना है। YouTube पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको कुछ लोडिंग लेगा, आपका पेज एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं YouTube पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हो आपका जो YT स्टूडियो वो यहाँ पर खुलकर ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप वीडियो पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप डायरेक्ट वीडियो पर भी क्लिक कर सकते हो, ठीक है। ये तो था दूसरा तरीका। अब तीसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। तो तीसरा तरीका भी ये है कि यहाँ पर आपको न्यू टैब पर क्लिक करना है, यूट्यूब को यहाँ पर ओपन करना है। यूट्यूब को ओपन करने के बाद तीन डॉट दिखाई देंगे, यहाँ पर क्लिक करके आपको डेस्कटॉप साइट को ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ पर डेस्कटॉप साइट को ओपन कर लेता हूँ। डेस्कटॉप साइट को ओपन करने के बाद अब यहाँ पर आपको अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कर देता हूँ। प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हो आपको यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपको सेटिंग पर क्लिक कर देना है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर देख सकते हो आपको यहाँ पर चैनल स्टेटस एंड फीचर का एक ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको चैनल एंड स्टेटस यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ लोडिंग लेगा और लोडिंग लेने के बाद वापस आपके सामने एक नया पेज खुलकर ओपन हो जाएगा। तो हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं जब तक हमारा जो पेज है वो यहाँ पर लोड ना हो जाए। तो अभी यहाँ पर देख सकते हो हमारी YouTube की सेटिंग यहाँ पर खुलकर ओपन है हो चुकी है। तो यहाँ पर आपको इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद अब यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो यहाँ पर YT स्टूडियो है वो यहाँ पर डेस्कटॉप साइड के अंदर ओपन है हो चुका है। तो आप इन तीन तरीकों से अपने क्रोम ब्राउज़र के अंदर डेस्कटॉप साइड के अंदर आप अपने YT स्टूडियो को ओपन कर सकते हो। बस यही थी आज की वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।